हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन नंबर 3। कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। ये टेबल है, प्रोडक्ट्स का टेबल है, ठीक है। यहाँ पर भी दो मोनोमियल्स का ही मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट मोनोमियल ये सारे हैं और सेकेंड मोनोमियल, देखो एरो नीचे बना है ना, ये सेकेंड मोनोमियल है। फर्स्ट मोनोमियल और सेकेंड मोनोमियल का मल्टीप्लाई करके लिखना है। आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन बना के रखना है कि किस बॉक्स में हम किसका वाला मल्टीप्लाई लिखेंगे। ऑलरेडी कुछ बॉक्सेस में मल्टीप्लाई लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4x², ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, और -15x²y यहाँ पर भी एक लिखा हुआ है, -15x²y, ये दो यहाँ पर ऑलरेडी फिल है, बाकी का हम लोग फिल करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ 4x² हुआ कैसे, ये फर्स्ट मोनोमियल है, ये सेकंड मोनोमियल है, दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, तो नंबरों का तो मल्टीप्लाई हो जाता है। अब तक आप इतना जान ही गए हैं, 2 2 4, और जो वेरिएबल्स होते हैं उनके पावर्स ऐड हो जाते हैं, एक्स और एक्स, दो एक्स है तो x की पावर 2 ना। अब ऐसे ही यहां पर क्या होगा, ये देखो, तो ये है -5y, और इसमें देख रहे हैं ना, तो इसके सामने वाला देखेंगे, ठीक है, -5y में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मत कर देना, इससे जो करोगे वो यहां लिखा जाएगा। इस बॉक्स में हम यही देखेंगे कि अगर इस बॉक्स को हमें फिल करना है तो इसी बॉक्स के ऊपर वाला और राइट साइड वाला देखेंगे, लेफ्ट साइड वाला, तो ऊपर है -5y और इधर है बॉक्स के इधर 2x, मतलब इनका और इनका मल्टीप्लाई होगा, तो 5 2 10, एक निगेटिव है ना, तो माइनस का 10, यहां एक्स है यहां वाई है, तो पावर तो ऐड होंगी नहीं, बस साथ साथ लिख दिया जाएगा, ठीक, समझ में आया। ये बॉक्स में देखिए 3x² है, और इसके इस लेफ्ट साइड में ये फर्स्ट मोनोमियल है ना, ये सेकंड मोनोमियल फर्स्ट, तो 3 2 6, एक एक्स यहां है, दो एक्स वहां है, x² मतलब दो एक्स हुआ ना, तो पावर ऐड कर दो, इसकी पावर में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 पावर में वहां, 1 पावर में यहां, तो क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, वो x की पावर में 3, पावर साइड हो जाती है, ठीक है, 1 पावर लिखते नहीं हम लोग, होता है, लेकिन यहां पर क्या होगा, 4 और 2, 4 2 8, एक निगेटिव है तो माइनस का 8। अब वेरिएबल देख लेते हैं, एक एक्स यहां, एक एक्स वहां, तो मतलब 2x हो गया, 2x मतलब x² यहां वाई नहीं है, वहां वाई है, तो लिख दो वाई है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, बहुत आसान है ना। आगे भी देखो, अब 2 से उसे मल्टीप्लाई होगा 7 में, तो 2 7 14, एक एक्स यहां है, 2x वहां है, x² और x कितना हो जाएगा, x की पावर 3, और वहां y है, यहां y नहीं है, जब नहीं है तो वही वाला लिख दो वही पर, ठीक। इस टेबल का मकसद ही इतना है कि आप एकदम फैमिलियर हो जाएं मोनोमियल के मल्टीप्लाई से, आप आंख बंद कर भी कर पाए, नींद में भी कर ले, इसका मतलब यही है। 2 से और वहां 9 है ना मल्टीप्लाई होगा, तो 9 2 18, एक निगेटिव है, -18, x² वहां है और एक x यहां है, तो x तो क्यूब हो जाएगा, और यहां y नहीं है, वहां y है, तो y² जैसा है वैसा ही लिख दो, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। यहां पे देखिए, अब यहां से शुरू करते हैं, 2 और 5 का मल्टीप्लाई होगा, इसमें भरना है ना, तो इसके ऊपर 2 है, इसके इधर 5 है, तो 2 5 10, और एक माइनस है तो माइनस का 10, एक x है एक y है, तो बगल बगल लिख दो xy, पावर तो ऐड होगी नहीं, पावर तो सेम वेरिएबल में ऐड होती है ना। यहां पर 5 और 5 5 5 25, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, अगर दोनों माइनस के होते हैं तो वो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है, ये भी वाई वो भी वाई, तो वाई 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 स्क्वायर हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगे उसकी। यहां पर देख लीजिए, ऊपर क्या है -4, बगल में क्या है -5, 4 5 20, दोनों माइनस के हैं इसलिए प्लस का 20 हो जाएगा। यहां वाई है, वहां भी वाई है, लेकिन यहां एक्स नहीं है, वहां एक्स है, तो जो है उसको रहने दो ना, एक ही एक्स है, और वाई 2 है, एक यहां, तो वाई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। उसके बगल वाले में क्या है भाई, 7x² और यहां क्या है -5y, तो 7 का 5 में मल्टीप्लाई होगा, 7 5 35, एक माइनस का है तो माइनस का 35, और x² y यहां है, और यहां केवल वाई है, तो पहले x² वैसे ही लिख दो क्योंकि उसके साथ कुछ है नहीं पेयर, y एक वहां है एक y यहां है, तो y 2 हो गया, और 2y का मतलब क्या हुआ, y का स्क्वायर, ठीक है।
अब उसके बगल वाला देख लेते हैं, समझ में तो आ रहा है आपको ना? कोई डाउट हो तो बताना कमेंट बॉक्स में। यहाँ 5 है, वहां क्या है 9 है, 9 5 जा 45, प्लस का 45 क्योंकि वो भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 45 हो गया। एक्स स्क्वायर यहाँ है नहीं, वहां अकेले ही है, तो इसको लिख दो एक्स स्क्वायर। वहां वाई स्क्वायर है और यहाँ वाई है, कितने वाई हो गए, 3 वाई हो गए ना, तो वाई की पावर 3। अगर आप इसके पहले पहला और दूसरा क्वेश्चन अगर आपको आता है तो ये भी आपको आसानी से आ जाएगा, कोई डाउट होगा नहीं इसमें। अब चलिए यहां शुरू करते हैं, 2 3 6, एक्स स्क्वायर और एक एक्स वहां, तो कितना हो गया एक्स पावर 3, पावर ऐड हो जाती है। यहां पे 5 3 15, एक माइनस का है तो -15, यहां माइनस लगा हुआ है ना, इसमें नहीं है। एक्स स्क्वायर वाई, ये तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, वहां नहीं है तो, और वाई यहां नहीं है तो वाई भी वैसे ही रहेगा, -15 एक्स स्क्वायर वाई। यहां पे देख लीजिए 3 और 3 सेम नंबर है ना, 3 3 9, नंबर को मल्टीप्लाई हो गया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना एक्स हो गया, 4x हो गया, यानी एक्स की पावर 4, ठीक है, पावर ऐड हो जाती है। वहां पे -4 और यहां 3, 4 3 12, और एक माइनस है तो माइनस का 12, यहां एक्स स्क्वायर है वहां एक एक्स है, तो कितना एक्स हो गया, एक्स की पावर 3, और वाई यहां नहीं है यहां है तो वही वाई वैसे लिख दो। अब आपके लिए हलवा हो गया होगा हमको लग रहा है। फिर 7 वहां है 3 यहां है, 7 3 21, और एक्स स्क्वायर यहां है एक्स स्क्वायर वहां भी है, तो कितना हो गया एक्स, एक्स की पावर 4, वाई केवल वही है यहां नहीं है तो वाई वैसे ही लिख दो। और यहां देखो 9 है और यहां 3 है, 9 3 27, एक ही है तो माइनस, तो माइनस का 27, यहां एक्स स्क्वायर है यहां भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की पावर कितना हो गया 4, वाई वहां है स्क्वायर में, यहां वाई है ही नहीं तो वही लिख दो जो है वाई स्क्वायर, ठीक। ये वाला देखिए -4x² और यहां है 2x, तो 2 4 8, एक ही माइनस है तो माइनस का 8, एक एक्स यहां है एक एक्स यहां है, 2x हो गया, 2x मतलब एक्स स्क्वायर, यहां वाई है वहां वाई नहीं है तो ऐसे ही लिख दो एक ही वाई। यहां पे देखिए -5 और -4, 5 4 20, दोनों माइनस के हैं, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो प्लस का 20 हो जाएगा। एक्स यहां पर है वहां नहीं है तो एक ही एक्स लिख दो, वाई यहां भी है वाई वहां भी है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, 2y मतलब वाई का स्क्वायर। यहां देख लीजिए 3 4 12, एक ही माइनस है तो माइनस का 12, और वहां एक्स स्क्वायर है एक एक्स यहां है तो 3x हो गया, एक्स पावर 3, वहां वाई नहीं है यहां वाई है, जब है तो वैसे ही लिख देंगे, ठीक, एक ही वाई हुआ ना। उस बॉक्स में क्या है 4 -4, यहां भी -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 4 16, आंसर प्लस का 16 हो गया क्योंकि दोनों निगेटिव है। एक्स वाई कॉमन हो ना, यानी 2x भी 2 है तो एक्स स्क्वायर और वाई भी 2 है तो वाई स्क्वायर, ठीक, पावर ऐड हो गई दोनों की। वहां पर देखिए 7x² y और यहाँ क्या है -4, तो 7 4 28, एक ही माइनस है तो माइनस का 28, एक्स स्क्वायर और एक एक्स यहाँ पर तो x हो जाएगा 3, और 3x मतलब x³, एक y यहाँ है एक y यहाँ है मतलब y स्क्वायर। यह देख लीजिए 9 4 36, दोनों माइनस के हैं तो प्लस का 36, एक्स स्क्वायर वहां है और यहाँ केवल x है तो x 3 हो गया, x की पावर 3, y वहां 2 है यहां भी एक y है y भी 3 हो गया, y की पावर 3, ठीक। यहाँ दो टेबल बाकी ये भी कर लेते हैं, 7 2 7 2 14, और x स्क्वायर यहाँ है वहां एक x ही है तो x 3 हो गए और x पावर 3 हो गया, y केवल यही है वहां नहीं है तो ऐसे ही लिख दो, ठीक। यहाँ पे देखिए अगर ये टेबल पूरा आप मल्टीप्लाई कर ले गए तो आप मोनोमियल के बादशाह हो जाएंगे मल्टीप्लाई करने में, ठीक है, फिर आग बूंद कभी कर देंगे। 7 5 35, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, कुछ खास है नहीं इसमें, रॉकेट साइंस हलवा है एकदम। 7 5 35, एक माइनस है तो माइनस का 35, एक्स स्क्वायर है यहाँ एक्स है ही नहीं तो जो है वही लिख दो एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई है वहां भी वाई है 2y हो गया, और 2y का मतलब वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 3 7 3 7 जाए 21,
एक्स स्क्वायर और वहां भी एक्स स्क्वायर है, कितना हो गया एक्स पावर फोर। वाई यहां है वहां नहीं है, तो एक ही वाई है, तो ऐसे ही लिख दो। यहां पे देख लीजिए फोर और सेवन, फोर से बन जाए 28 और एक ही माइनस है तो माइनस का 28। एक्स स्क्वायर यहां है, वहां केवल एक ही एक्स है, तो टोटल कितना एक्स हो गया तीन, एक्स पावर थ्री। और वाई कितने हो गए दो वाई, और दो वाई का मतलब वाई स्क्वायर। ठीक है, वेरिएबल में पावर ऐड हो जाती है, यही ध्यान रखना है आपको बार बार। सेवन और सेवन, सेवन से बन जाए 49, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का ही आएगा। एक्स स्क्वायर दोनों जगह है, तो कितना हो गया एक्स की पावर फोर। वाई वाई दोनों जगह है, यानी दो वाई हो गया, एक वाई यहां का एक वाई यहां का। लास्ट वाला देखिए सेवन नाइन जा 63, एक माइनस है तो माइनस का 63। और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स पावर फोर। वाई स्क्वायर और यहां पर एक ही वाई है, तो कितना वाई हुआ तीन, यानी वाई की पावर थ्री। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, सच में समझ आ रहा है तो बताने कष्ट करना थोड़ा आज, ठीक है कमेंट बॉक्स में। माइनस नाइन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे, नाइन टू जाए 18, एक ही माइनस है ना, तो माइनस के 18। एक्स स्क्वायर यहां है, एक्स वहां है, तो एक्स टोटल हो गए थ्री, और थ्री एक्स का मतलब एक्स पावर थ्री। वाई स्क्वायर वहां तो वाई है नहीं, तो वही लिख दो वाई स्क्वायर। फाइव नाइन जा 45, और दोनों माइनस के हैं तो प्लस का 45। एक्स स्क्वायर वहां तो है नहीं, तो यही लिख दो एक्स स्क्वायर ही। वाई स्क्वायर और वहां भी एक वाई है ना, तो तीन वाई हो गए, तो तीन वाई का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा वाई पावर थ्री। ठीक है, थ्री नाइन जा 27, एक ही माइनस है तो माइनस का 27। एक्स स्क्वायर यहां भी है, एक्स स्क्वायर वहां भी है, तो कितना हो गया एक्स पावर फोर। और वाई स्क्वायर यहां है वहां नहीं है, तो वही लिख दो। ठीक है, एक चीज और जानते हैं आप लोग, इसको हम इधर उधर भी कर सकते हैं, यानी वाई स्क्वायर पहले भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाद में भी लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि पहले एक्स ही लिखें, वाई भी पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। यहां पे देखो 49 जा 36, और दोनों माइनस के हैं तो प्लस का 36। एक्स स्क्वायर यहां है, एक एक्स वहां है, तो कितना हो गया एक्स तीन, एक्स पावर थ्री। वाई दो यहां है, एक वाई वहां है, तो वाई भी कितना हो गया थ्री। यहां पे देखिए सेवन वहां है, नाइन यहां है, सेवन नाइन जा 63, और एक ही माइनस है तो माइनस का 63। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया एक्स पावर फोर। वाई स्क्वायर और वहां पर एक ही वाई है, तो वाई तीन हुआ, वाई की पावर थ्री। लास्ट वाला है नाइन नाइन जा 81, दोनों माइनस के हैं तो प्लस का 81 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी दोनों में पावर फोर होगा, एक्स पावर फोर और वाई की पावर फोर। ठीक है, टेबल था, आसान था, बस थोड़ा कंसल्टेशन जरूरत थी, गलत बॉक्स में गलत नफल कर दें, यही बात थी। आइए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में, तब तक के लिए जय हिंद।